जिंदगी में सुकून से बड़ी कोई चीज नहीं। और अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं कि पहाड़ ही पहाड़ आपके आसपास हैं, अच्छा सा इन्वायरमेंट है और साथ ही कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आप जैसे दो चार लोग हैं, आपके जैसे आइडियोलॉजी वाले लोग हैं और चाय की चुस्कियों के साथ साथ आप शाम का आनंद ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके पॉजिटिव वाइब्स में कोई कमी नहीं है। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो है नित्या कैफे, जो पालमपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके ओनर मेरे साथ बैठे हैं, सैंडी। सैंडी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सैंडी, कितने साल हो गए आपको ये बिजनेस शुरू किए? अभी जस्ट एक साल भी नहीं हुआ, 31 दिसंबर को ओपन किया था ये कैफे। आपके कैफे का हमने देखा, जैसे हम एंटर हुए तो आपके कस्टमर्स काफी थे, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लगता है कि इस बिजनेस का आगे बहुत ज्यादा स्कोप है? हाँ, माउंटेन्स में, जैसे कि हिमाचल में अगर मैं बोलूँ तो हाँ स्कोप है, और वो भी हिली एरियाज में जो कि थोड़ा सा टाउन से थोड़ा सा दूर हैं, आउटस्कर्ट्स में हैं, उनमें है स्कोप। डिपेंड करता है कि आपकी थीम क्या है और आपको किस तरह का कस्टमर चाहिए। क्योंकि आपका कैफे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर किसी शख्स को छोटा मोटा कैफे शुरू करना है तो नॉमिनल कितना प्राइस इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखो, कैफे मिला के, जैसे कैफे का अगर आप छोटा सा कैफे भी बनाते हो, छोटा वुडन स्ट्रक्चर बनाते हो या फिर किसी और चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके साथ में आपको किचन चाहिए होता है, वॉशरूम चाहिए होते हैं, तो वो सब कुछ खर्चा मिला के वो अराउंड 5 लाख तो आपको चाहिए। वर्कर्स कितने हैं आपके साथ? अभी तो 3 है, इंक्लूडिंग कुक और दो लोग हैं और हैं। उनका खर्चा निकाल के आपको कितना आ जाता है, बचता कितना है? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होगा ही, लेकिन स्टिल थोड़ा सा परसेंटेज में पूछना चाहेंगे। नहीं, अभी एक्चुअली 1 महीना हुआ है, अभी सब कुछ स्टाफ रखे हुए, तो अभी और अभी तक हमने सच बोलूँ तो ऐसे कैलकुलेट किया भी नहीं है, बट ये है कि उनका स्टाफ का खर्चा निकल रहा है और अभी तक हमारा खर्चा भी निकल रहा है। किसी तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है? हाँ, आपको फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना पड़ता है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी नॉर्मल सी फीस है 500 फीस, तो आपका लाइसेंस बन जाता है हाँ रेस्टोरेंट के लिए। प्लस अगर आपको कैंपिंग करनी है तो आपको टूरिज्म में कैंप साइट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। और किसी तरह का लोन? तो अगर इको टूरिज्म के अंडर अगर आप कैफे अपना डेवलप करना चाहते हो तो आपको ऐसा होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ती है, वो फाइल फिर आपको शिमला सेंड करना पड़ती है कि अपना प्रपोजल के साथ कि मैं इको टूरिज्म के अकॉर्डिंग क्या बनाने वाला हूँ, जिसमें नेचर को कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर जो भी है, तो फिर वो अगर उनको प्लान्स अच्छा लगे गवर्नमेंट को तो फिर वो आपको फंड देते हैं, लोन सेंक्शन करते हैं, वो भी शायद सब्सिडी में, ऐसा कुछ है। टिप्स दीजिए बिजनेस को लेकर, जो लोग हमारे दर्शक इस चीज़ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कैफे को। अभी देखो, मुझे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये कैफे करते हुए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी थीम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपकी लोकेशन, अगर आपकी लोकेशन थोड़ा क्राउडेड प्लेस से अलग है, और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिवरलेट है, न्यूगल, और किसी नदी या ऐसे खड के आसपास है, और किसी नेचुरल चीज़ों का वाटरफॉल या कुछ ऐसा कुछ, तो वो लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा ऐसा होता है कि आपको फिर वो आपको यू नीड टू डू मार्केटिंग, जैसे हम लोगों का काम है, हमारा ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसी रजिस्टर्ड थी 2013 से, पुराना क्लाइंट्स भी हमारे काफ़ी हैं जो कि रिकमेंड करते हैं हमारे कैफे को। तो चलिए, ये थे सैंडी जिन्होंने अपना कैफ़े खोला है, और सबसे बड़ा इनका जज्बा है कि इन्होंने दिसंबर में खोला है और उसके 2-3 महीने बाद ही लॉकडाउन हो गया, उसके बाद भी इनको पूरा विश्वास है कि इनका कैफ़े जो है बिल्कुल चलेगा। और हम भी यहाँ पर देख के ये बता सकते हैं कि इनका कैफ़े जो है ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पर ढेर सारे आप देख सकते हैं कि क्राउड अच्छा खासा है। तो सैंडी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट, और हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर विजिट करेंगे। इंस्टा पे डिवाइन नित्या के नाम से इनका पेज है, आप उसमें जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई राय चाहिए तो। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, हम अब घर का रुख करते हैं क्योंकि अंधेरा काफी हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।